होशंगाबाद टीकमगढ़ की टीकमगढ़ में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने फिल्म पद्मावती को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया के लोग व्यावसायिक फायदे के लिए केवल हिंदू समाज से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर ही फिल्में क्यों बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं जिनमें हजारों सालों से लोगों का शोषण होता रहा है, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि पद्मावती कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, चित्तौड़गढ़ किले में जौहर कुंड मौजूद है। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह के पद्मावती को राष्ट्रमाता कहे जाने की बात पर उन्होंने कहा कि ये केंद्र का मामला है। लोगों के लिए चाहे वो घटनाक्रम वास्तविक हो या यथार्थ हो, ये इनके लिए एक व्यावसायिक क्षेत्र है, लेकिन अपने व्यावसायिक क्षेत्र को बुनाने के लिए किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ में तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करना जिससे पूरे जनमानस की भावना आहत हो, इसको किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।